तो कैसे ये बनेंगी, ठीक है? आई गेस ये बाद में दिखाते हैं, क्योंकि तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा कुछ इसमें दिखा चुका हूं। हम बात करते हैं सिलेक्शन रूल की। सिलेक्शन रूल, ठीक है? सिलेक्शन रूल अगर हम बात करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल समझिएगा। तो इन जनरल पहला हमारा होता है इस मतलब स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है? देयर शुड बी नो चेंज इन स्पिन, शुड नॉट, इट शुड बी जीरो। यानी सिंगलेट सोर्स से सिंगलेट जो है अलाउड है, ठीक है? सिंगलेट से ट्रिपलेट जो है नॉट अलाउड। तो मतलब क्या है इसका? जिन भी ट्रांजिशंस में नो चेंज इन स्पिन इज अलाउड, नो चेंज इन स्पिन इज अलाउड, ठीक है? अगर ये अलाउड नहीं है तो इसका मतलब अलाउड नहीं है। सेकेंड सिलेक्शन रूल क्या कहता है, जो रूल टू है, कि जो ऑर्बिटल की डिफरेंट सिमेट्रीज हैं, जिन ऑर्बिटल्स की डिफरेंट सिमेट्रीज हैं, दे आर नॉट अलाउड। इसी वजह से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो अलाउड है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है? अगर आपने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा होगा तो मतलब उसमें ये रूल, इसको बोलते हैं लेपोर्टे रूल बोलते हैं। मैं वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बीच में ही लाने वाला हूं, अभी तो नहीं लाने वाला हूं, ठीक है? तो अब हम ये सब चीजें हमने काफी कुछ हद तक पढ़ लिया है। फिर एक और टर्म होती है, दो टर्म होती है, एक होता है क्रोमोफोर, ठीक है, और ठीक है, और एक्सोक्रोम्स। ये दो टर्म आप समझेंगे, एक्सोक्रोम्स ये क्या होते हैं? देखिए, जैसे हमारे डबल बॉन्ड हैं, जैसे हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, इसी तरीके से हमारे माइक्रो सिस्टम्स हैं, इसी तरीके से हमारे एस्टर्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं। तो ये जो है इनमें कलर है, ठीक है? इन सब में क्या है? इन सब में हमारे कलर्स हैं। तो जिस जिन जिन डबल बॉन्डेड ग्रुप्स की वजह से कलर है उनको बोलते हैं क्रोमोफोर, ठीक है? और क्रोमोफोर में ही हमारी जो है, ठीक है, क्रोमोफोर जो है हमारे क्रोमोफोर में ही कलर होने की वो है, ठीक है? तो एक्सोक्रोम्स क्या हुए? समथिंग लाइक OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, जो इस कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा दे, दे आर कॉल्ड एक्सोक्रोम्स, ठीक है? तो अब क्योंकि क्रोमोफोर है तो क्रोमोफोर में कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल होगी? पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार, इन ट्रांजिशन की वजह से इनको, ठीक है, ये जो है ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ा, मतलब ये इसमें उनकी वजह से इसमें कलर आता है, ठीक है? तो क्रोमोफोर जिनमें ये दो ट्रांजिशन हो रही है उनको हम क्रोमोफोर बोलते हैं, ठीक है? तो क्रोमोफोर के बारे में चल गया, एक्सोक्रोम्स के बारे में थोड़ा और मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के साथ ही तुमको समझाने, मतलब मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो क्रोमोफोर का पहले एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास में ये एसीटोन है, CH3CO CH3, इसका जो लैम्डा मैक्स है इस ग्रुप के लिए इट इज अराउंड 279 नैनोमीटर, ठीक है? ठीक है, इसी तरीके से तो ये जो है ये या तो
कोई भी ट्रांजिशन हो सकती है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है, अभी मैं लेबल नहीं कर रहा हूं, पाई टू पाई हो, पाई टू पाई स्टार भी हो सकते हैं, बट बेसिकली ये एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही होती है, बस मैं समझा रहा हूं। इसी तरीके से साइक्लोहेक्सीडोन है, इसकी जो रेंज होती है लैम्डा मैक्स की, इट इज अराउंड 291 नैनोमीटर। तो ये भी किसकी वजह से होगा, इस कार्बन ग्रुप की वजह से। इसी तरीके से ठीक है हमारा अगर उसकी बात करी जाए, ठीक है एक और कंपाउंड लेना चाहिए, ब्यूटाडाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है ब्यूटाडाइन नहीं, जैसे ये एक कंपाउंड ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ही, तो हमारे पास में 1,5-hexadiene, इसमें भी अगर तुम लैम्डा मैक्स की बात करोगे तो इसे कह रहा हूं, ये वैल्यूज मेरे को पता है या मैं मतलब तो इसलिए मैं लिख पा रहा हूं, नहीं तो नहीं। तो सब में हमको इस तरह की वैल्यूज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, फिर तो हमारे क्या आ गए, एक्सोक्रोम्स आ गए। एक्सोक्रोम्स क्या थे मैंने जो बताया था, ठीक है इसका इफेक्ट और भी समझ में आएगा जब हम, ठीक है ना, दे आर ग्रुप अटैच टू क्रोमोफोर्स, अटैच टू क्रोमोफोर्स, समथिंग लाइक आपका जो बेंजीन है, बेंजीन हमारा क्रोमोफोर हो गया, लेकिन अगर मैं इसमें OH डाल दूं, ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी में जो भी चेंज होगा वो होगा, ठीक है ना, इसकी वजह से। तो ये क्या है, एक्सोक्रोम्स है, और ये क्या है, क्रोमोफोर्स है, ठीक है, गेस ठीक ही है। तो अब हम धीरे धीरे मतलब अब हम उन चीजों का, उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिससे हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ता है या घटता है। एनी ट्रांजिशन में कोई भी ट्रांजिशन लेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं पहले एक थोड़ा सा चार्ट बना देता हूं, ये हमारा वही ई मैक्स है, ये हमारा एक एब्जॉर्प्शन है, लैम्डा मैक्स है, ये इंक्रीजिंग है, इसको बोलते हैं बी आर, इसको बोलते हैं एच बी, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपर, इसको बोलते हैं हाइपर। बी आर का मतलब है बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। एच बी का मतलब है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट से पता चल रहा है कि एनर्जी जो है कम हो रही है, लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है, इससे पता चल रहा है इसमें इंटेंसिटी जो है ऊपर जा रही है, इसलिए इसको हाइपर बोलेंगे, इंटेंसिटी नीचे जाएगी तो हाइपर बोलेंगे, एनर्जी बढ़ेगी तो ब्लू शिफ्ट बोलेंगे या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है ना, सॉरी हिप्सोक्रोमिक, हाइपर हाइपर जो है वो इंटेंसिटी के लिए हो, ठीक है। अब हम जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स लूंगा, ये एग्जांपल्स थोड़े से मतलब वो है, लेट्स से मेरे पास में बेंजीन है, तो C6H5 जो है इसका लैम्डा मैक्स है 256 नैनोमीटर, लेकिन अगर मैं इसमें एनिलीन डाल दू C6H5NH2, तो इसकी एनर्जी रेजोनेंस की वजह से प्लस आयन इफेक्ट की वजह से लोअर हो जाएगी, इसलिए लैम्डा मैक्स बढ़ जाएगा, और इसकी जो लैम्डा मैक्स की पीक है वो है 280 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ी समझ में आई। तो एक और चीज है, ठीक है, तो एनिलीन का हमें समझ में आया कि भाई ये बाथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, बाथोक्रोमिक इज इंक्रीजिंग लैम्डा, इंक्रीजिंग लैम्डा मतलब लोअर इन एनर्जी, ठीक है ना। तो और कोई केस है हमारे पास में जिसमें इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज इन लैम्डा हो या डिक्रीज इन एनर्जी हो, इंक्रीज इन लैम्डा का मतलब होता है डिक्रीज इन एनर्जी, एच सी बाय लैम्डा, अगर ये चीज इंक्रीज करेगी तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है।
क्या है, वी लेट्स से कि मैं कॉन्जुगेशन की बात करूं, एक दो तीन चार, अगर मैं एक वन टू, हाँ तो ब्यूटाडाइन में अगर मैं एक और कंजुगेशन ऐड करूं तो इसका लैम्डा मैक्स जो होगा ज्यादा होगा इसके लैम्डा मैक्स, लैम्डा वन विल बी ग्रेटर देन लैम्डा, सॉरी लैम्डा टू विल बी ग्रेटर देन लैम्डा वन। तो एक और चीज समझ में आई, ठीक है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल लेट्स से एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो होती हैं, ठीक है, मैं उसको एन बना देता हूँ तो उसको पाई बना देता हूं, ये सॉल्वेंट पोलैरिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। वैसे तो पाई टू पाई स्टार भी करती हूँ, ठीक है। होगा क्या कि जो नॉन बॉन्डेड स्टेट है वो अगर मैं सॉल्वेंट पोलैरिटी, ठीक है, अगर मैं सॉल्वेंट पोलैरिटी करूंगा तो इसको क्या करूंगा, सॉल्वेंट पोलैरिटी अगर मैं दो केसेस बता देता हूं, ठीक है, कि अगर मैं लेट्स से कि मेरे को थोड़ा सॉल्वेंट देखना पड़ेगा कौन से सॉल्वेंट में ऐसा होता है, ठीक है, अगर मैं वाटर से हेक्सेन में जाऊं तो मेरी जो नॉन बॉडीड स्टेट है वो ज्यादा स्टेबलाइज होगी, और पाई टू पाई स्टार जो है मतलब ये जो है स्टेबलाइज होगी तो लोअर एनर्जी हो जाएगी। इसी तरीके से पाई टू पाई स्टार देखो, हम वाटर से हेक्सेन में जा रहे हो तो ये जो ई, जो ई लेट्स से ये ई वन है, ये ई टू है, तो ई टू विल बी लोअर देन ई वन। तो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये भी बाथोक्रोमिक शिफ्ट जाएगी, बाथोक्रोमिक, ठीक है ना, बाथोक्रोमिक, ठीक है, शिफ्ट जाएगी अगर मैं सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाऊंगा। लेकिन पाई टू पाई स्टार जो है ट्रांजिशन, अगर मैं सॉल्वेंट पोलैरिटी वाटर टू हेक्सेन जाऊंगा तो वो जाएगी हाइपो और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये चीज समझ लीजिएगा। तो अगर हम पोलैरिटी कम करेंगे तो हमारा जो ये है बाथोक्रोमिक शिफ्ट जाता है, तो यानी अब देख लेते हैं, पोलैरिटी अगर डिक्रीज करेगी तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, ई विल ऑल्सो डिक्रीज। लेकिन अगर पोलैरिटी डिक्रीज करेगी तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की जो ये है एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये इंक्रीज करेगी, इसका मतलब हम ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ये भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है, ये भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारा कौन से टाइप ऑफ ट्रांजिशन है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर हम मतलब अब ये तो केसेस हो गए जब एनर्जी कम हो रही है, अब एनर्जी मतलब इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना। लेट्स से कि मैं कंजुगेशन, मेरे एक सिस्टम है जो हाईली कॉन्जुगेटेड है, मैं उसके बदले अगर मैं इस सिस्टम से कंजुगेशन हटा दूं तो भी मेरा जो सिस्टम है वो किस तरह का शिफ्ट जाएगा, तो मेरा जो सिस्टम है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जाएगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जाएगा, एनर्जी क्या होगी मेरी बढ़ेगी, यानी लैम्डा क्या होगा कम होगा, ये भी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जाएगा, ठीक है। लेट्स से कि अगर मैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ाऊंगा तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जाएगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हिप्सोक्रोमिक, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो ये भी होगा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जाएगा। तो अभी मैंने बताया था, और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन अगर हम सॉल्वेंट पोलैरिटी कम करते हैं तो एनर्जी कम होती है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में अगर हम पोलैरिटी कम करेंगे तो एनर्जी
राइज होती है, इसलिए वो इप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी जाते हैं। ठीक है, तो दो केसेस मतलब वो वही केसेस हैं, बस अपोजिट सेंस में पढ़ने का। ठीक है, ये ज्यादातर जो स्पेक्ट्रा है कब क्लियर होते हैं, जब हम जेन्युइनली एक्चुअल मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रा देखते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। हाइपरक्रोमिक क्या था? हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। लेट्स से मेरे पास में वैल्यू जो है पिरिडीन की है, जो पिरिडीन होता है, अगर मैं इसमें एक सिर्फ मिथाइल ग्रुप ऐड कर दूं, तो सिर्फ मिथाइलेशन से लेट्स से हम प्लस सी एस पी ग्रुप ऐड कर दें यहां पे इस तरीके से, तो इसकी जो ई है इट इंक्रीजेस बाय ऑलमोस्ट मतलब 500, मतलब प्लस 500 का इंक्रीमेंट, नॉट 5 इंक्रीमेंट, 800 का, नो नॉट 900, ऑलमोस्ट 1000 का इंक्रीमेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट 3700 से 3500 पे जा रहा है, तो समवेयर अराउंड 700 का इंक्रीमेंट, मतलब 800 का इंक्रीमेंट इसमें हो रहा है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं कि 1000 का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या है? ऑक्सोक्रोम से। ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें हाइपोक्रोमिक जाता है? बिल्कुल जाता है। देखिए मेरे को जो याद है ये है याद बाइफिनाइल्स का, जो बाइफिनाइल सिस्टम्स होते हैं, बाइफिनाइल सिस्टम्स कैसे होते हैं? इस तरीके के हमारी बेंजीन होती है। ठीक है, जो हमारी बाइफिनाइल्स होते हैं, और अगर मैं इसका मिथाइलेशन, अब मैं इसका मिथाइलेशन करूं तो उल्टा हो जाता है समवेयर अगर अराउंड, ये इसका ई जो है 1900 के अराउंड है, जस्ट अगर मैं मिथाइलेशन कर दू प्लस मिथाइलेशन, तो ये इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ठीक है, ये भी है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। ई जो है 10250 के अराउंड हो जाता है। अब देखिए यहां तक आप कोई भी कहीं पे भी नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सब समझा दिए जाएंगे। इसके बाद में ना हमको कौन कौन से बैंड्स मिलते हैं, अब जो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंड्स। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैंड, पहला होता है के बैंड, के बैंड, आर बैंड। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में है बी बैंड, और उसके बाद में हमारे पास में ई बैंड। जो के बैंड होता है वो होता है हमारा पाई टू पाई ट्रांजिशन के लिए। ठीक है ना, इसका शेप मैं बता दूंगा कैसा दिखता है, लेकिन इसकी वैल्यूज अगर आप देखोगे, लेट्स से मेरे पास में ब्यूटाडाइन है, ब्यूटाडाइन है 1 2 3 4, तो ये है 217 लैम्डा और ई है 2100, तो बहुत ज्यादा इंटेंस इसकी वैल्यू है। देखिए नीचे समझ लीजिएगा, अगर समथिंग लाइक स्टाइरीन है C6H5CH2CH2, इसको स्टाइरीन लेते हैं, है ना, तो इसी ट्रांजिशन की वैल्यू है समवेयर अराउंड 214 और वैल्यू है 1200, तो काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। ये है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, अगर आर बैंड्स होते हैं ये लेस इंटेंस रहते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल एक एसीटोन की बात करें CH3COCH3, दो ही केसेस हम लेंगे, पर एसिटाल्डिहाइड भी ले सकते हैं, एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड। वैल्यू क्या रहेगी इसकी है 270 290। ठीक है, और मेनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो पाई पाई ट्रांजिशन होती है वो 200 के अराउंड ही आती है, ये समवेयर अराउंड आ जाएगी, और वैल्यू कितनी रहेगी 15 12, ये लैम्डा है ये ई है, ये लैम्डा है ये ई है। फिर है हमारे बी बैंड जो होते हैं ना, बी बैंड होते हैं, इनको बोलते हैं मोस्टली बेंजोइड बैंड्स। ठीक है ना, जब भी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास में रहेगा तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का हमको अगेन वो दिखाई देगा, लेकिन इनकी जो वेवलेंथ रहती है, इनकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहती है। लेट्स से बेंजीन है, स्टाइरीन है और टोल्यूम है, तो लैम्डा मैक्स अराउंड 255 282 262,
और वैलिडिटी रहेगी 215, 450, 174। इसके बाद में हमारे पास में होते हैं E1 एंड E2 बैंड, इसमें दो कैटेगरी होते हैं E1 एंड E2 बैंड। ये भी पाई टू पाई स्टार बैंड की तरह ही होते हैं, पाई टू पाई स्टार बैंड की तरह होते हैं, लेकिन कौन से कंपाउंड्स में दिखाई देते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, नेपथिलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, ये है पाई टू पाई स्टार टाइप से ही अराइज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये होते क्यों है, ई बैंड जो होते हैं, ठीक है ना, तो ये वाले जो है ये एक बेंजीन स्ट्रक्चर्स की वजह से होते हैं, जैसे बेंजीन और हमारा ये है ना, ये भी पाई टू पाई स्टार बैंड ही है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कंजुगेशन की वजह से ये अपेयर होते हैं, और इनका ई मैक्स बहुत ज्यादा होता है, और ये दो जगहों पे अपेयर होते हैं, दो पार्ट्स में अपेयर होते हैं, एक लोअर रेंज होती है जो समवेयर अराउंड 180 से 250 रेंज की हो सकती है, और जो E2 बैंड होता है वो 204 से 375 की रेंज का होता है। दो मैंने लिखा नहीं है, ये जितनी भी बातें मैंने मतलब जो भी इस टॉपिक्स में पढ़ा है, मैं एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मॉलिक्यूल्स में जब मैं लेके जाऊंगा तब मैं इसको पढ़ाऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, थैंक यू।